मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवारों के दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। जहां कमलनाथ ने बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जनता में बीजेपी के प्रति आक्रोश है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में घबराहट की निशानी है। पीएम मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं, बीजेपी में आगे बड़े बड़े को टिकट कट सकते हैं। इन्होंने व्यापारियों को जीएसटी के नाम पर लूटा और चंदा वसूली की। बीजेपी सरकार से पहले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद अब छात्रों को कुछ नहीं मिलता। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। इससे पहले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में घबरा गई है, इसलिए इनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा, देखते रहिए बीजेपी में कौन किसको निपटाता है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं को टिकट देकर मध्य प्रदेश में एंट्री कराई जा रही है। विधानसभा चुनाव में मुद्दों का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाला इस बार चुनावी मुद्दा होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को 39 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है और उसमें केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने दिमनी सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है, तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से और बात करें प्रहलाद पटेल की तो उनको नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में वार पलटवार का दौर जारी हो गया है और ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार अब विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है और लगातार उस पर कटाक्ष करती ही जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।